देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार दर्शकों, भारत एट नाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, 13 अक्टूबर को मुंबई से एक गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तारी आज पूरे देश में एक नेशनल मुद्दा बनकर निकल चुका है। तमाम टीवी चैनलों पर, अखबारों पर, देश के नुक्कड़ चौराहों और दुकानों पर इसी बात पर बात हो रही है कि आखिर शाहरुख खान का लड़का उस रात चाट क्या रहा था। वो चरस चाट रहा था, ऐसा एनसीबी का कहना है। हालांकि जांच का विषय है। रोजाना एक से एक नई नई खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन चिंता की बात दरअसल कुछ और है। मैं उस चिंता की बात पर आज सवाल करने आया हूं। बात दरअसल यह है कि दर्शकों, जब से आर्यन खान गिरफ्तार हुआ है तब से पूरा बॉलीवुड आकर खड़ा हो गया है। तमाम अलग अलग तरीके की दलीलें हैं, अलग अलग तरीके से डिफेंड करने का स्टाइल है। लेकिन दर्शकों, एक बात आपने सोची कि बॉलीवुड की माने तो ये जो चरस, गांजा, ये सब कुछ है, ये चौराहे और नुक्कड़ों की, जो परचून की दुकानें हैं, वहां पर दिखना चाहिए। दर्शकों, अगर इनकी दलीलों की बात करें, ये जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, तो इनका कहने का मतलब है कि परचून की दुकान पर बेचना शुरू कर दो। अलग अलग जो भी दुकान है, हर दुकान पर बिकना चाहिए चरस। कह रहे हैं कि 23 साल का मुन्ना है, वो एक बड़े अभिनेता का बेटा है, अगर चरस ले भी लिया, चरस चाट भी लिया, तो क्या समस्या भाई? माफ करो, वो सॉरी बोल तो रहा है। अब ये नहीं पता कि नशे में सॉरी बोल रहा है कि होश में सॉरी, लेकिन उसको माफ कर देना चाहिए। ये बॉलीवुड के लोगों का कहना है। कानून में क्या आईपीसी की धाराओं में ऐसी कोई धारा लिखी हुई है जिसका सिर्फ इसी चीज से इलाज हो सकता हो कि अगर सामने वाला जो आरोपित है वो सॉरी बोल रहा है, जो दोषी है वो सॉरी बोल रहा है, इसलिए उस पर वो धारा मत लगा। ऐसा है? बिल्कुल नहीं। दर्शकों, ये वही बॉलीवुड है जो कल घटनाओं पर नहीं बोलता। दर्शकों, ये वही शाहरुख खान है जिनके बेटे को लेकर आज पूरा बॉलीवुड सड़क किनारे तख्तियां लेकर खड़ा है। ये वही शाहरुख खान है जिनको लेकर आज पूरा बॉलीवुड चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये वही शाहरुख खान है जो जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई तो इनके मुंह पर टेप था, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तब इनके मुंह पर टेप था। ये कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि इनको लगता है कि इनका खुलासा हो जाएगा, इनकी पोल खुल जाएगी। इनको लगता है कि जो एक इकोसिस्टम बनाया गया है बॉलीवुड का, जहां पर ये लोग राज करते हैं, उस इकोसिस्टम को परेशानी हो सकती है। दर्शकों, ये वही शाहरुख खान हैं जो नहीं बोले थे सुशांत सिंह राजपूत केस में इतना हो हल्ला हुआ, लगातार उनके फैंस डिमांड करते रहे कि इस पर सीबीआई जांच हो। हालांकि उनकी वजह से सिर्फ सीबीआई जांच मिली, लेकिन शाहरुख खान एक शब्द नहीं। आज उन्हीं शाहरुख खान की वजह से लोग हल्ला कर रहे हैं, पूरा बॉलीवुड एक साथ आकर खड़ा हो गया है। यह बुरा बॉलीवुड कल कहां था जब पालघर में साधुओं को बेरहमी से मारा जा रहा था? तब शाहरुख खान के मुंह में दही जमा हुआ था, तब शाहरुख खान कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, तब शाहरुख खान शांत। लेकिन आज लोग कह रहे हैं परेशान है। अब उनके बेटे ने गांजा चाटा है, चरस चाटी है, तो परेशान नहीं होंगे तो क्या तबला बजाएंगे? लेकिन दर्शकों, एक और चीज ध्यान रखिएगा, शाहरुख खान का एक इंटरव्यू है, उसको आपको पहले सुनाएंगे। I'm sure you're going to spoil your son. No, not at all. I've just told him that, you know, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls, and he can smoke as much as he wants. He can do drugs. He can have sex. He can womanize. When he's 3? When he's 2? I think 2 months. Yeah, because you know, it's nicer to start early, and you know, he should enjoy everything. He should have fun. He should do everything I've not done. तो दर्शकों, ये इंटरव्यू जो आप देख रहे थे बहुत ही कम समय का था, लेकिन इसमें एक बात आपको समझ में आई होगी। बहुत पुराना इंटरव्यू है। शाहरुख खान कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा ड्रग्स ले। वो कह रहे हैं कि उनका चाहते हैं कि उनका बेटा लड़कियों के साथ सेक्स करे। वो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा मजे करे। दर्शकों, ये शाहरुख खान जैसे लोग, दे आर नॉट हीरोज। ये कोई हीरो नहीं है, ये पैसे में बिकने वाले टट्टू हैं जिनको आपने इतना चढ़ाया है, जिनको आपने इतना बड़ा बनाया है। ये वही शाहरुख खान है जो बिल में छिप जाते हैं जब देश की बात आती है, जब देश के सेना के जवान शहीद होते हैं तब ये बिल में बैठे। इनके बेटे इनके पैसों से आज मजे मार रहे हैं, क्रूज शिप में ड्रग्स ले रहे हैं, तो पूरी दुनिया परेशान हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा बॉलीवुड एक साथ आ गया, परेशान हो रहा है। उनका बेटा आरती कर रहा था क्या? नशा कर रहा था, चरस गांजा ले रहा था। अगर उसको एनसीबी ने पकड़ लिया, और ऐसे लोगों की दलीलें भी हैं दर्शकों कि अगर ऐसे लोग पकड़े जाने लगे तो जेलें फुल हो जाएंगी, जेलें भर जाएंगी, तो क्या करें?
परचून की दुकानों पर लाइन लगवाने, परचूनों की दुकानों पर जैसे नमकीनें टंगी रहती हैं वैसे क्या चरस गांजों के पैकेट भी टांग दिए जाए? क्या ये लोग ये चाहते हैं? तो दर्शकों मैं बता रहा था कि इस इंटरव्यू में शाहरुख खान साफ कह रहे हैं कि वो चाहते हैं उनका बेटा ड्रग्स, उनका बेटा लड़कियों के साथ सेक्स करे। शाहरुख खान अपने बेटे को ये नहीं सिखा रहे हैं कि ड्रग्स लेना कितनी गलत बात है, वो लड़कियों को ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, सब्जेक्ट बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि महिलाओं की लड़कियों के रिस्पेक्ट। तो जब खुद पिता ये चाहता है तो बेटा अगर कुछ कर जाता है तो किस बात का है? शाहरुख खान चाहते थे उनका बेटा ड्रग्स ले, उसने ड्रग्स लिया, वो जेल में है। और प्लीज कोई भी ड्रामा मत करिए, कोई भी ड्रामा मत करिए, इस पर आगे बताऊंगा कि क्या ड्रामा मत करिए। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड यूं तो दुनिया के सामने कहानियां दर्शाने का काम करता है, पर बॉलीवुड की खुद की कहानी को जितना समझो उतना ही कम है। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई और। चेहरे बदलते रहते हैं, वजह बदलती रहती है, पर सुर्खियां ज्यादा दिनों तक नहीं थमती। हाल ही की बात कर लेते हैं, बात आर्यन खान की, बात बॉलीवुड में बादशाह के नाम से जाने जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, जिन्हें 2 अक्टूबर को एक लग्जरी क्रूज शिप में रेप पार्टी करते समय हिरासत में लिया गया था। लेकिन मुंबई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड और ड्रग्स की काली दुनिया के बीच नापाक रिश्ते की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत केस के दौरान भी हमने ऐसा ही देखा था। बॉलीवुड में ड्रग्स की समस्या नई नहीं है। संजय दत्त, कंगना रनौत, फरदीन खान, प्रतीक बब्बर जैसे कई फिल्मी सितारे ड्रग्स के चुंगल में फंसने की कहानी दुनिया को बता चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी कुछ दिन तो ये मुद्दा सुर्खियों में रहेगा, लेकिन इसके बाद बात आई गई सी हो जाएगी। लेकिन शायद अब सभी चीजों को राजनीतिक चश्मे से देखने का ट्रेंड ही बन चुका है। पार्टी पॉलिटिक्स इस कदर हावी है कि तमाम व्यवस्थाओं का वजूद संदेहास्पद नजर आने लगा है। किसी चीज में सच या झूठ का पता लगाना मुश्किल है। बस सच और झूठ से जुड़ी कई कहानियां हैं। कहानियों का मकर जाल इतना गहरा कि तथ्य संदेहास्पद बन जा रहे हैं। ड्रग्स केस में भी तथ्य संदेहास्पद बनाए जा रहे हैं। ये तथ्यों को संदिग्ध बनाना, निजी फायदे के लिए कहानियां गढ़ना और लोगों को बरगलाना नहीं तो और क्या है? आर्यन केस में तथ्य ये है कि विवादित क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा, रेप पार्टी का आरोप है, एनसीबी ने सबूत के तौर पर ड्रग्स और चैट बरामद किए। तथ्य ये भी है कि बीजेपी नेता एनसीबी के दफ्तर में देखे गए। इन दोनों चीजों के बीच एक और तथ्य है कि जब आर्यन को पकड़ा गया था उनका नाम तुरंत सामने नहीं आया। घंटों ऐसी खबरें चली कि किसी बड़े सेलिब्रिटी का बेटा पकड़ा गया। अगले दिन दोपहर में साफ हुआ बड़े सेलिब्रिटी का बेटा आर्यन खान है। घंटों आर्यन का नाम क्यों छिपाया गया? सुशांत सिंह राजपूत केस में मिले लीड के बाद एनसीबी पिछले 1.5 साल से एक पर एक कार्रवाई कर रहा है। कई ड्रग्स पेडलर्स पकड़े गए, सितारों की संलिप्तता के विवादित सबूत और चैट भी सामने आए। कई बड़ी सेलिब्रिटीज से पूछताछ और कुछ गिरफ्तारियां तक हुई, मगर ऐसे सवाल नहीं उठाए गए। मामला भी हिंदू मुस्लिम नहीं बना, जब अब लगातार देखने को मिल रहा है। ठीक है, आर्यन केस में एनसीबी ने आरोप लगाए हैं, वकील बचाव में तर्क रख रहे हैं, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें भी लगातार सुनी जा रही हैं। कोर्ट पर सरकार की तानाशाही है, क्या पूरी तरह से सही होगा? कोई आर्यन खान को सिर्फ इसलिए बेगुनाह बता रहा है क्योंकि उनकी उम्र मात्र 23 साल है, कोई उनके मुसलमान होने का मुद्दा उठा रहा है। हद तो ये भी है कि कुछ लोग रेड में बरामद ड्रग्स की मामूली क्वांटिटी पर ही सवाल उठा रहे हैं। ईमानदारी के लिए मशहूर एक अफसर का सोशल मीडिया में चरित्र हनन भी हो रहा है। अफसर की पत्नी का पक्ष जाने तो पता चलता है कि कई ऐसे हाई प्रोफाइल केस की वजह से उनका परिवार दबाव महसूस कर रहा है और अब भी ऐसा हो रहा है। आर्यन के पक्ष में लोगों के बयान और तर्क साफ इशारा करते हैं कि अफसर की पत्नी का डर नाजायज नहीं। मुश्किल ये है कि शाहरुख के दोस्तों की तरह ओपन प्लेटफॉर्म पर अपनी बात भी नहीं रख सकते। सही और गलत का फैसला तो कोर्ट को करना है। आर्यन
बेगुनाह हो सकते हैं, भला इस बात से कौन इनकार करता है। मगर ये फैसला करने का अधिकार किसे है, शशि थरूर, नवाब मलिक या फिल्म उद्योग से मौजूद शाहरुख के दोस्तों को जो सोशल मीडिया में किंग खान के बेटे के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। अब सही गलत साबित करने का फैसला तो कोर्ट को ही है। लोग ये क्यों भूल जा रहे हैं कि एनसीबी की कार्रवाई से कोई शहर बदनाम नहीं हो रहा? क्या ये छिपी बात है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की पहुंच नहीं है? कई आरोप सिद्ध हो चुके हैं। ये भी छिपी बात नहीं है कि ड्रग्स का रैकेट गली मोहल्लों का कोई टपोरी नहीं चला रहा, अंतरराष्ट्रीय स्तर का काला धंधा है जिसे कोई ऐरा गैरा नहीं, रसूखदार सफेदपोश शख्स ही ऑपरेट कर सकता है। पूरे खेल में क्रेता विक्रेता वही लोग हैं। शशि थरूर जो आर्यन की 23 साल की उम्र पर रहम करने की अपील कर रहे हैं, वो शायद भूल रहे हैं कि निर्भया का रेप करने वालों में एक नाबालिग भी था जिस पर सबसे ज्यादा मानवता का आरोप लगा था। आर्यन निर्दोष हो सकते हैं, मगर उनके धर्म और उनकी उम्र के तर्क का हवाला देकर पक्ष में माहौल बनाना घातक है। रसूखदार परिवार और कम उम्र के होने से किसी पर लगे आरोप कम नहीं हो जाते। थरूर साहब, कानून के शब्दकोश में रहम नाम की चीज ही नहीं है। कानून तो सबके लिए बराबर है। शाहरुख खान का बेटा किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया जो उसके लिए कानून अलग तरीके से काम करेगा। दूसरी तरफ नवाब मलिक के आरोपों पर क्या ही कहा जाए, जिनकी पार्टी का गृह मंत्री वसूली के लिए पुलिस सिंडिकेट चलाने के आरोप में कुर्सी गंवा चुका हो, जिनकी सरकार में दागी पुलिसकर्मी की बहाली होती है और एक मामूली इंस्पेक्टर आईपीएस से भी ताकतवर दिखता है, उसी सरकार का नेता बता रहा है कि आर्यन के मामले में कार्रवाई राजनीतिक है। भला क्यों राजनीतिक कार्रवाई की जरूरत पड़ी? क्या शाहरुख बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, भाजपा की सरकारों को गिराने के लिए पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? शाहरुख ने तो लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाई हुई है। घटिया राजनीति, मकसद के लिए ऐसे बंटवारे भविष्य के लिहाज से घातक है। मुंबई में ड्रग्स रैकेट का होना सच्चाई है, रैकेट किन लोगों के लिए है इसे बताने की भी जरूरत नहीं। आम मुंबई का कि औकात ही नहीं कि ऐसे महंगे शौक पाले। नवाब साहब, आर्यन खान के साथ और उनसे पहले कुछ और लोग भी पकड़े गए हैं। खैर, उनके पास तो विक्टिम कार्ड खेलने का विकल्प भी नहीं था, जैसा कि मुसलमान होने की वजह से शाहरुख के नाम पर आप चलाना चाह रहे हो। मैंने सवाल खड़े किए कि दो निजी लोग, एक जो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष अपने आप को कहता है, वो रेड में कैसे था, वो प्राइम अक्यूज को कैसे हैंडल कर रहा था मनीष भानुशाली, और वो वीडियो हमने जारी करके सवाल खड़े किए। हमने केपी गोस्वामी जो फ्रॉडुलेंस है, जो भगोड़ा है कई मामलों में महाराष्ट्र में, वो इनका किस तरह से एक्यूज़ को हैंडल कर रहा है वो सारे वीडियो हमने जारी किए, आपके चैनल पे भी दिखाई गए, और वो उससे पहले भी एनसीबी कार्यालय में गए उसके भी वीडियो हमने जारी किए। हमने जब ये सवाल पूछा तो इस सवाल का जवाब एनसीबी डाल रही है। वो कह रही है कि 2 तारीख से पहले हमें इनसे कभी भी हम नहीं मिले। दूसरी तरफ आप ही के चैनल पे मनीष भानुशाली कह रहा है, एनसीबी कह रही है कि वो हमारे इंडिपेंडेंट विटनेस हैं, वो कह रहा है कि मैं मुखबिर हूँ, वो कह रहा है कि वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर है उनके कनेक्शन मेरे 1 तारीख से थे, 1 तारीख से हमारी उनसे बात हो रही थी। तो पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। साथ ही साथ एक जो आपने 2-3 तारीख की रात में 8:30 बजे एनसीबी ने लोगों को तस्वीरें दी, एक छोटा सा वीडियो दिया, जो आपके इंडिया टुडे चैनल पे तस्वीरें और वीडियो दिखाई गई, हमने वो सिद्ध किया है कि जो एनसीबी के जो ज्ञान देव सिंह जी हैं, ज्ञानेश्वर सिंह, वो कह रहे हैं कि जहाँ रेड होती है सीजर वहीं होता है, सील किया जाता है, पंचनामा बनाया जाता है। हमने बाकायदा वो सारी तस्वीरों और वीडियो को सिद्ध किया है कि पंचनामा ना जहाज पे हुआ क्रूज पे, ना पोर्ट पे हुआ, वो पंचनामा जोनल अधिकारी के कार्यालय में हुआ, उनकी कुर्सी पे रख के तस्वीर उतारी गई, और सारा जो भी सीजर दिखाया जा रहा है वो उनके कार्यालय का है। इसीलिए हमने कहा कि ये सीजर ना क्रूज पे हुआ है, ना क्रूज टर्मिनल पे हुआ है, ये सीजर वहाँ हुआ नहीं, सारा जो भी मटेरियल सीज बताया जा रहा है ये एनसीबी के कार्यालय में हुआ है, इसीलिए ये फर्जी मामला है। ये सवाल हमने उठाए लेकिन इस पर कोई जवाब एनसीबी की तरफ से नहीं आ रहा है। दूसरा, हमने कहा गया कि 8 से 10 लोग गिरफ्तार किए गए, वेग स्टेटमेंट एक अधिकारी देता है,
हमने दिखाया कि तीन लोगों को और गिरफ्तार किया गया था, जो वो उसके साले साहब है ऋषभ सचदेवा, इमरान फर्नीचर, आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाबा, इन लोगों की गिरफ्तार करके ले जाया गया और बाद में तीन घंटे बाद इनको छोड़ा गया, वो भी सारे वीडियोस के साथ हमने खुलासा किया। आर्यन खान ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर फिर कई गंभीर आरोप लगे हैं। एनसीबी ने इन आरोपों का खंडन किया है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों की एसआईटी बढ़ाकर जांच करवाने की मांग की है। इसी महीने 2 अक्टूबर को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय एनसीबी द्वारा पंच बनाए गए एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि एनसीबी ने उससे 10 सादे कागजों पर दस्तखत करवाए हैं। प्रभाकर नामक ये व्यक्ति पहले भी चर्चा में आ चुके हैं। इसी मामले में एक और पंच केपी गोसावी का ड्राइवर और बॉडीगार्ड है। उसे एक हलफनामे में ये भी कहा है कि उसे गोसावी को अपने एक साथी के साथ 25 करोड़ रुपए की बातचीत करते सुना। उसके बाद एक और एंगल आ गया जिसमें से 8 करोड़ रुपए एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े को दिए जाने की बात कही जा रही थी। ये हलफनामा अभी किसी अदालत में नहीं दिया गया है। प्रभाकर सेन ने अपनी जान को भी खतरा बताया है, लेकिन ऐसे में एक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से नवाब मलिक उनके परिवार को घसीट रहे हैं वो बेहद गलत है। समीर वानखेड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। मैं ये जो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ये झूठी इन्फॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूँ, ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ और झूठा आरोप है ये। सर, उन्होंने कहा सर आप खंडन ही वसूली करने के लिए मालदीव गए थे, उस बारे में आपका क्या कहना है? ये जो शब्द है खंडनी, एक्सटॉर्शन, ये बहुत ही घटिया शब्द है। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूँ। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। सर, नवाब मलिक कहते हैं कि साल के आखिरी तक आपकी नौकरी, धमकी दी है आपकी नौकरी नहीं रहेगी, ऐसा भी कहीं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। तो देखा आपने आर्यन केस में किस तरह के नए नए एंगल्स लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं अगर समीर वानखेड़े के पिता की बात की जाए तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरा बेटा अफसर होकर भटक रहा है, मेरे बेटे का गुनाह क्या है, आखिर उसने किया क्या है। दरअसल एक हलफनामा भी समीर वानखेड़े ने कोर्ट में दाखिल किया है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है, इस पर अभी बहुत सारे पर्दे पड़े हुए हैं। पर्दों का उठना बाकी है, किरदारों का दिखना बाकी है। तो कौन सा किरदार किस भेष में है ये देखना बाकी है। खेल बहुत गहरा है, खेल बहुत बड़ा है, लेकिन खेल का अंत होगा और असत्य पर सत्य की जीत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉल इंडिया। तो दर्शकों, ये जो बॉलीवुड की जो लॉबी है, जिसने एक इकोसिस्टम बनाया है, जिस इकोसिस्टम की वजह से आउटसाइडर्स को रोल नहीं मिलता, जिस इकोसिस्टम की वजह से मुंबई में जाने वाले लोग जो बिहार से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, जो लोग हरियाणा से जाते हैं, गुजरात से जाते हैं, इनको जो मिलने में परेशानी होती है रोल्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम मेड बाय दीज एक्टर्स। शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब अपने आप को कानून से ऊपर, ये सब सोचते हैं कि पैसा है, फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे, इसलिए खुलकर सब कुछ करते हैं। ये पूरा बॉलीवुड गैंग, कल तक संजय दत्त, उसके बाद फरदीन खान, उसके बाद तमाम एक्टर्स, ये सब खुलकर करते हैं। इनकी लाइफ है, ये कानून को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन इस बार बुरा फंसे हैं शाहरुख खान साहब, उनके बेटे ने पूरी लुटिया डुबो दी है। बेटा चरस गांजा ले रहा था, पकड़ा गया, जेल गया, और अब शाहरुख खान साहब परेशान है। तब परेशान नहीं थे जब कूल दिखने के चक्कर में कह रहे थे कि ठीक है, मैं तो चाहता हूं मेरा बेटा ड्रग्स ले। तो अब क्यों नहीं बोलते शाहरुख खान? अब क्यों छुपे हुए हैं? अब क्यों शांत हैं? अब क्यों उदास हैं? अब शाहरुख खान नहीं बोलते,
कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा ये करे वो करे मजे करें। मजे करने का सिर्फ यही तरीका है कि ड्रग्स लेंगे, लड़कियों के साथ सेक्स करेंगे, ये तरीके हैं मजे लेने, ये सिखा रहे थे आप। अब जो सिखाया है वो भी मिलेगा, कुछ और तो नहीं मिलेगा। तो इसी को लेकर आज भारत एट नाइन कार्यक्रम है था दर्शकों, जिसमें मैंने एक बात बताने की कोशिश की कि सामान्य लोगों को इन्हें हीरो मानना बंद कर देना चाहिए। दे आर एक्टर्स हु गेट पेड फॉर डूइंग रोल्स। ये शाहरुख खान कल तक मसाला बेच रहे थे, पोस्टर्स बड़े बड़े छप रहे थे कि हाँ खाओ मसाला, खाओ मसाला, कदमों के नीचे दुनिया रखो मसाला खाकर। दर्शकों ये एक्टर्स हैं, ये पैसे लेते हैं, ये कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं। ये आपको समाज को बेहतर बनाने के लिए नहीं आए हैं, ये पैसा लेकर अपना धंधा चला रहे हैं। और जो पैसा लेकर अपना धंधा चला रहे हैं जो लोग, आपको ये समझना चाहिए कि आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है इनका झंडा उठाने। शाहरुख खान के पास इतना पैसा है कि वो दुनिया भर के लॉयर्स खड़े कर सकता है। और अभी भी शाहरुख खान ने आर्यन खान को बचाने के लिए सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर दी। और इनके पास इतना पैसा है कि ये यूएसए से भी वकील ला सकते, ये कहीं से भी वकील ला सकते, चाइना से वकील ला सकते, ऑस्ट्रेलिया से वकील ला सकते, दुनिया के किसी भी देश का वकील सबसे महंगा वकील खड़ा कर सकते। तो आपको झंडा बुलंद करने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर देखिए क्या चल रहा है, क्योंकि आर्यन खान से भी अलग मुद्दे हैं जो हमें चिंता में डालते हैं। मेरा आज का कार्यक्रम का मतलब सिर्फ यह समझाना था कि शाहरुख खान कल तक जो चुप रहता था, जो शाहरुख खान पालघर के साधुओं की निर्मम हत्या पर नहीं बोल सका क्योंकि इसको लगा कि इसके कुछ फैंस जो इस हत्या को ठीक साबित करना चाहते हैं, जो खुश है इस हत्या से, वो नाराज हो जाए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ नहीं बोला क्योंकि इसका इकोसिस्टम बिगड़ रहा था। जब हमारे देश के सेना के जवानों पर हमले होते हैं तब ये कुछ नहीं बोलता क्योंकि इनको लगता है कि पाकिस्तान में फैन बेस बिगड़ जाएगा, पाकिस्तान से पैसा आना बंद हो जाएगा, वहां पर जो फिल्में चलती हैं वो दिखना बंद हो जाएंगी, इसलिए कुछ नहीं बोलते। दर्शकों इनके बेटे ने एक क्राइम किया है और ये कहना बकवास बात है कि ये सिर्फ मुसलमान है इसलिए उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। शाहरुख खान मुसलमान है और इस देश ने उन्हें सड़क पर जो सोते थे आज मन्नत के करोड़ों के बंगले में सोते हैं, ये देश के लोगों ने उन्हें। हिंदू मुसलमान नहीं सोचता देश, ये कुछ लोग हैं जो सोचते हैं, ये कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि उनके धर्म का अगर कोई भी आदमी अगर गलत भी करेगा और उसे पकड़ा जाएगा तो वो इसलिए है क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसा नहीं, उनका बेटा अगर क्रूज में चरस चाटेगा तो एनसीबी के चाटे ही तो खाएगा। अब लाड़ प्यार तो मिलेगा नहीं, एनसीबी लाड़ प्यार तो करेगी नहीं। कल तक कानून को जूते की नोक पर रखते थे क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की सरकार इनके साथ है, महाराष्ट्र की पुलिस इनके साथ है, लेकिन एनसीबी तो सेंटर की, तो इस बार फंस गए। लेकिन फंस गए हैं तो फंस गए हैं, लेकिन जनता को यह समझना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जनता को यह समझना चाहिए कि आप लोगों को हर दफा झंडा बुलंद करने की आवश्यकता नहीं है। इनके पास भरपूर पैसा है और अगर गलत किया है तो गलत की सजा तो मिलेगी। देश में कानून है, देश में संविधान है, वो संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि शाहरुख खान के बेटे को ये चीजें, ये क्राइम करने की 10% के डिस्काउंट के साथ छूट है क्योंकि ये शाहरुख खान का बेटा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हर कोई बराबर है, इक्वल है, लेकिन हाँ हमने हर दफा देखा है कि कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में, पैसे के सामने कानून नरम पड़ जाता है। लेकिन अगर कानून का असर दिख रहा हो और पैसा डगमगा रहा हो तो ये हमारे कानून की, हमारे संविधान की जीत होनी चाहिए। आर्यन खान ने जो कुछ किया है वो उसकी सजा भुगतेगा, लेकिन मसला ये है कि शाहरुख खान जो कल तक किसी मामले पर नहीं बोल पाते थे आज इतना भड़बड़ा रहे हैं। इनके पास पैसा है, आज नहीं कल आर्यन खान को बाहर निकलवा ही लेंगे, लेकिन बॉलीवुड की पोल खुल गई है, शाहरुख खान की पोल खुल गई है और पूरा बॉलीवुड अब मिट गया है, पूरा बॉलीवुड अब हिपोक्रिट जो उसका नेचर था वो सामने आ गया है।
और अब बॉलीवुड की यह हिपोक्रेसी ज्यादा दिन नहीं चली, सब कुछ सामने आ चुका है, सब कुछ जनता के सामने। तो आज के लिए भारत एट नाइन में इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट। देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ।